अंदर से ऐसा दिखता है, ये वेरिफिकेशन के लिए, और वहाँ पे लिखा है क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं। ये देखो इतना भर चुका है हम लोग का कल्याण, वहाँ कसम। और मैं अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन को जा रहा था, ये देखो क्या है, ये देखो बाप रे बाप, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दुख 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 का है, नाकाबंदी झाली हे बघ हे बघ आईच्या गावात। मी देखो गाईस फक देखो मा कसम मी जा रहा घर पे, अभी इधर कम है, बाद में तो बढ़ेगा ना। पुलिस वेरिफिकेशन के लाया हूँ, पुलिस वाड़ी के इधर। ये वाला अभी जब होएगा तब बताऊंगा। तो अभी नाला भर रहा है, इसकी वजह से पूरा ये चालू है, ये देखो यहाँ पे। और अभी नाला भर चुका है वहाँ पे, और मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। एंड अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं एक बीच में डाल दूंगा क्लिप, वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन करेगा। आई शपथ, अभी इधर भी पानी भरा है, जिधर भी जा रहा हूँ उधर पानी भरा हुआ है, और पूरा सुबह से बारिश है। आज का तारीख में तुम लोग को बता सकता हूँ क्या, एक मिनट रुको, सामने से ज़रा एक बार कर लेता हूँ। तो आज का तारीख है 27, और ये तारीख को मैं वेरिफिकेशन के लिए गया था मेरे पासपोर्ट के, 5 बजे के बाद खुलता है, बट मैं वहाँ पर रुके था क्योंकि मेरे को मालूम था क्या क्या लगने वाला है। बट वो मैडम बहुत कोऑपरेटिव थे जो थे पोलिसवाड़ी के, उनने फटक से साइन किया और पूछा क्यों जाने का करके। तो मैं बोला फ्यूचर अगर इन केस था कि मुझे अगर कुछ हो गया या मतलब मुझे बाहर जाना हुआ या जॉब कुछ आ गया, तो फिर इसके वजह से मैंने पासपोर्ट वेरिफिकेशन ताकि रखा। तो वो बोले ठीक है, बहुत पहले आ चुका है, पर वो हमको मालूम नहीं था, वो बहुत अंदर जाता है क्योंकि थाने के जहाँ जाते हैं ना हम लोग, वो जल्दी आता है ऐसा। तो फिर इसके लिए बोलता हूँ थाने में जाओ, फिर एक दो दिन में उनके पास आएगा तो वो वेरीफाई कर देते हैं, नहीं तो वो लटक जाता है पासपोर्ट का तुम्हारा जो भी रहता है वो लटक जाता है। तो फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ और मिलता हूँ उनको थोड़े टाइम में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, पासपोर्ट वेरीफिकेशन हो चुका है तुम्हारे भाई का, अभी शायद इन केस किधर जा सकते हैं, बाय पीस आउट। जो भी जिसको भी एक है, बाहर निकलो मत, बहुत बारिश है। एंड मैं थोड़ा भीगा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से छतरी नहीं निकाला क्योंकि मेरे को कंटाला आ रहा, छतरी बार बार निकालो अंदर करो। और पासपोर्ट वेरिफिकेशन जब पुलिस के पास जाओगे तो याद रखना अपना जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने को, क्योंकि मैं लेके नहीं गया था बट मैडम कोऑपरेटिव थी तो अपन भी कोऑपरेटिव किया। एंड जो जो लग रहा था वो जेरोक्स निकल के दे दिया। तो फिर आपको क्या क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा आपका आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपको लगेगा लाइट बिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइट बिल नहीं है तो आप एक काम करो आपका राशन कार्ड लेके जाओ, वो भी चल सकता है। एक फ़ोटो, बेसिकली एक फ़ोटो अपने जेब में रखना, मैं रखता हूँ ये मेरे बाबा से सीखा हूँ मैं, एक फ़ोटो अपने जेब में रखने का, कुछ भी हो किधर भी लग सकता है एंड इट्स गुड। एंड अभी मेरे को वो काम में आया फोटो रखा इसकी वजह से। तो फिर यही है, देखो बड़े लोगों को सुनोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो फिर रहो फिर पीछे। अभी क्या मैं बोल नहीं सकता क्या, ठीक है मिलता हूँ अभी हम लोग के एरिया में पहुँचे, फक पानी आप होगी, ठीक है मिलता हूँ बाय बाय बाय। कुछ रहेगा तो चालू करूँगा जरूर, बाय। ये देखो अपना एक आहे, ये आपल्या इकडचा परिसर, 100 फुटचा पेट्रोल भरला आलो होतो, 100 फुटचा परिसर बघा फुल जॅम झालेला आहे। ही आपली गाडी इथे, बापरे वॉटर लॉगिंग बघा तुम्ही, माझी पण गाडी अशीच जाणार होती पण मी ह्या बाजूने घातली, तर काय बोलू शकतो माझ्या गाडीला काय व्हायचं, मी जाऊन येतो बाय। ह्युमॅनिटी देखो, हे बिचारे कुत्ते को बचा रहा हो,
पूरा भर गया यार, वहाँ पे ओपन साइड है, वो साइड पे अभी कोई तो बोल रहा था पूरा भर गया। देखो माँ कसम, अभी ये 2005 वाला स्थिति हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। कल्याण में आया था किसको उसको मालूम नहीं, मालूम पड़ लो कोई घर से बाहर मत निकलो। मैं भी अभी घर पे आता, बस हो गया, मेरे भी फटने लग गई। बाय स्टे ट्यून। और इसका भी पासपोर्ट सेवा नहीं, कल्याण की स्थिति ऐसा डालना पड़ेगा मेरे को लग रहा है तो भी डालूंगा है फ्लैश में, पहला डालूंगा कल्याण की स्थिति एंड फिर पासपोर्ट सेवा। ठीक है बाय। और माँ कसम क्या हो गया देखो तुम, बगीर लगा फुल भर ला है। अगर अंदाजा लगाता है तो वो गाड़ी देखो किधर गए। ठीक है ये देखो माँ कसम फॉग है यार, वो थोड़ा एसी लगा दो। ये सब भर चुका है और मेरे को अभी यहाँ से ही जाने का, यहाँ से क्योंकि मैं पेट्रोल भरने आया था गाड़ी में, एक गाड़ी पेट्रोल रखना मांगता है मेरे क्योंकि बहुत गाड़ी था, तो फिर मैंने 200 का पेट्रोल भर दिया, 200 का बस हो गया फिलहाल अभी के लिए। तो अभी ये देखो वाटर लॉगिंग, माँ कसम कलर की स्थिति देखो यार बिगड़ गई है। चलो जाते, कोई घर से बाहर मत निकलो इतना ही है। ठीक है कल भी रेड अलर्ट हो सकता है कदाचित, तो कल्याण का रेड अलर्ट का जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू चैनल तो तुम्हें बगू सकता। अभी ये सब हो चुका है आपने कसम यार, मस्त लग रहा है पर इससे घूम रहा है, ज़्यादा बिगड़ा नहीं हूँ मैं क्योंकि मेरे को कल जाने का है बाहर, इसकी वजह से अभी कल आई थिंक सो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि इधर पूरा भर चुका है तो क्या जाऊँगा मैं, मेरे को खुद को टेंशन आ रहा है ये मेरी गाड़ी किधर लगाओ, वो बिल्डिंग में लगाओ कि वो बाहर लगाओ, ऐसा हो रहा है। पापा को एक बार फ़ोन करता हूँ क्योंकि बिल्डिंग की यहाँ का अभी देखना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे मैं लगा था यूजुअल गाड़ी तो वहाँ पे, अरे देखो वापिस पर ठीक है, इधर का तो ठीक है नॉर्मल है, चिलिंग मात्रा में है। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। आ गया, मैं निकला था पासपोर्ट सेवा के लिए और हो गया। मैं उल्लासनगर क्यों नहीं गया क्योंकि मेरे को मान था उधर का परिस्थिति पहले से बिकट है, तो फिर उधर जाके अर्थ नहीं है क्या, पहले से बिकट परिस्थिति रहता है, मतलब पहले से उधर पानी भर जाता है फटक से, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे था वेरिफिकेशन कर रहा था वहाँ पे नाले का पानी इतना इंच बचा था सिर्फ पानी के लिए, तो वो बोले 1 आवर में आ जाएगा, पुलिस लोग बोल रहे थे एक दूसरे से, तो फिर मैं बोला ठीक है जय महाराष्ट्र, मिनट तो भरी। फिर मैं देखा अरे पेट्रोल टिक टिक कर रहा है, अगर कल परसों किधर जाना हुआ तो फिर लग गए ना, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि जाने दो, पेट्रोल 200 का भरा के रख देता हूँ क्या, उससे भी जो दे के रखा था पप्पा ने उसमें कहीं इधर डाल दिया। आजकल पैसा बचा नहीं होता है बस, जो होगा बताऊँगा। जय महाराष्ट्र, मिलता हूँ अभी आगे वीडियो में, अगर कुछ रहा तो भी नहीं दिखा पाऊँगा अभी क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेरे घर की, घर की इधर क्या सिचुएशन वो बता सकते। बाय। तो जहाँ पे भी मैं यूजुअली लगा था वहाँ पे भी भर चुका है, मतलब अभी एक मिनट, अरे बाबा अभी 200 का भरा है क्या, ब्लिंक हो रहा है वो हो जाएगा स्टेबल। देखो दिख रहा है पानी मतलब आधा भरा है, ठीक है क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉकिंग हो रहा है। देख गया देखा पूरा भरा है, उधर जाओ मत, उल्लासनगर 100 फुटी ये तो चला ही जाएगा क्योंकि अभी खड्डे क्या मालूम बुझ गए कि क्या हो गए, पर ये चला जाता है क्योंकि हम लोग टेकड़े पे आए थे तो वो ठीक है अभी, नहीं तो फिर मैं इसको निकल के सीधा मेरे हम लोग के बिल्डिंग है वहाँ पे लगा दूंगा, अभी क्या कर सकते हैं वहाँ पे इतना नहीं है। और हाँ कौन सा बिल्डिंग वो नहीं बता सकता,